साई प्रणाम सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। डीआईजी ने साइबर सेल शाखा का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का करें प्रयोग। पुलिस अधीक्षक नगर ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत न्यायालय परिसर का किया भ्रमण। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों का स्थानीय ग्राम प्रधान रखें विशेष ख्याल, शासन की सुविधाओं को कराएं उपलब्ध। आईजीआरएस सुविधा का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ जनपद पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नालों की सफाई सहित अन्य कार्यों को लेकर संबंधित कार्यों के साथ बैठक हुई संपन्न। वादकारियों और अधिवक्ताओं की सहूलियत के दृष्टिगत एडीएम सिटी ने पुराने भवन का किया निरीक्षण, जल्द विभिन्न कोर्टों का होगा संचालन। सीएम को उड़ाने की धमकी देने वाले को कैंट पुलिस ने रिमांड बनवाकर न्यायालय के सम्मुख किया पेश। एडीएम वित्त निधि जानकारी, कहा आपदा विभाग के ऐप दामिनी के माध्यम से लोगों को 4 घंटे पूर्व पता चल सकेगा किन क्षेत्रों में गिरेगी बिजली। साइबर सेल टीम की अपील, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बरतें पूरी सतर्कता। कैंट थाने की पुलिस ने कुशीनगर जनपद के अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। और ओ नेगेटिव ब्लड के जरूरतमंद बिना रक्तदान के ही कागजी कार्रवाई कर जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक से प्राप्त कर सकते हैं ओ नेगेटिव ब्लड।